predation. Predation is eating of a living organism by another organism. That is called as predation. Isme, it is a prey predator relationship. Isme jo prey hai, ye kya hai? It has, you know, prey is eaten. Whereas predator eats the prey. Therefore, predator is benefited. Whereas it loses its life. इसलिए इसके लिए नेगेटिव इंटरेक्शन है, इसके लिए पॉजिटिव इंटरेक्शन है, राइट? ठीक है जी, तो ये एक बेनिफिशियल इंटरेक्शन है, दिस इज हार्मफुल इंटरेक्शन फॉर इट. तो हम क्या कह सकते हैं, ये मैंने पहले भी लिखा है, दोबारा से लिखवा रही हूं, बेनिफिशियल इंटरेक्शन. और इसके लिए ये एक ही मतलब है, इसके लिए प्रे के लिए हार्मफुल इंटरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स क्या है प्रिडेशन के, हम यहाँ पे बात करेंगे. प्रे जिसको खाया जाता है, प्रीडेटर जिसने खाया. प्रे कौन है? प्रे है लेट अस से प्लांट्स. प्लांट्स कैसे प्रे हो सकते हैं, क्योंकि उनको कौन खाता है? हर्बीवोर्स सच एज कैटल. अब जो कैटल है उनको कौन खा रहा है? कैटल, शीप, गोट, ये भी आ जाते हैं, इनको खा रहा है कार्निवोर्स सच एज लायंस, टाइगर्स एटसेट्रा. उसके बाद इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स को कौन खा रहा है? बर्ड्स खा रहे हैं. फिर बर्ड्स भी प्रीडेटर है, बर्ड्स को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है. फिर उसके बाद स्नेक्स को भी यू कैन से ईगल वगैरह वो खा जाती है. इसलिए प्रे एंड प्रीडेटर ये क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि predation acts as a conduit. Conduit होता है पाइप, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं, इट acts as a pipe for transfer of energy from one trophic level to another. For example, सबसे पहले आ जाते हैं, ये अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर्स देखें तो दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल,
और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स। ये किसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हर्बीवोर्स। इसको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, और हम इसको क्या बोल देते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। सच एज अगर हम बात करें गोट्स की, ठीक है, या हम बात कर लें इंसेक्ट्स की बात कर लें या गोट्स की बात कर लें, कुछ कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, गोट्स को अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इसको खा लिया लेट अस से जकाल सी, ठीक है जी। दीज आर प्राइमरी कार्निवोर्स, बस हर कोई एक दूसरे को खा रहा है, ये इसको खा रहे हैं, ये इसको खा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है दैट इज टर्शरी कंज्यूमर्स, इट इज टर्मिनल ट्रॉफिक लेवल, और ये आ जाते हैं टॉप कार्निवोर्स सच एज लायंस, टाइगर्स एक्सेट्रा। तो ये प्रे है, इसका प्रेडेटर ये है, फिर उसके बाद दीज ऑल्सो एक्ट एज प्रे, इनका प्रेडेटर ये, फिर ये एक्ट एज प्रे, इनका प्रेडेटर। So they help in transfer of energy from one trophic level to another trophic. Second आ जाता है बेटा, तो हम क्या यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं advantages of predation. दूसरा आ जाएगा बेटा, अगर प्लांट्स को खाने वाला कोई ना हो, ठीक है, प्लांट्स लगी जाएंगे, इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन प्लांट्स की हो जाएगी कि वो आपस में ही कंपीट करना शुरू कर देंगे जगह के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, जिसके कारण बहुत से जो कमजोर प्लांट्स है ना, जिनको धूप नहीं मिल रही है, जो छोटे प्लांट्स है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन भी नहीं उनको मिल रहा, राइट। तो प्रिडेशन कंट्रोल्स द पॉपुलेशन ऑफ प्रे, दिस प्रिवेंट्स competition in prey population. In absence of predator, prey population becomes very large. इसकी वजह से क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन
efficient, spelling ठीक कर लेना, और food space and make, है ना। एक हमारे हिंदी में या villages में एक होती है कि जर जोरू और जमीन, जर means पैसा, जमीन एंड वाइफ, है ना, वाइफ या हस्बैंड जो भी है, मेट के लिए जो है उसके लिए जो है कंपटीशन होगा, झगड़े होंगे, एंड दिस मे कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, इट मे कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है। मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगी, पहले आप ये लिखिए। चलिए जी, नेक्स्ट हम इसमें एग्जांपल कर लेते हैं कि इसी के साथ एक और हम बात लिख लेते हैं, क्योंकि प्रीडेटर, एज प्रीडेटर फीड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रे, therefore we can say that predator maintains diversity in ecosystem, same point pe hi hai but thoda sa alag hai, by preventing, देखना कैसे अलग कैसे है, by preventing interspecific competition, वो था intraspecific, interspecific competition, for example, एग्जाम्पल देखी गई थी कहां पे, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज, इन पैसिफिक ओशन, इन कम्युनिटीज के बारे में देखा गया। यहां पे प्रीडेटर, मेन प्रीडेटर कौन सा है, इट इज पिजास्टर, पिजास्टर स्टारफिश, ये जो है ये मेन प्रीडेटर है, इट इज रिमूव्ड। यहां से एक एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, प्रीडेटर को रिमूव कर दिया, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट मोर देन 10 इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट मीन्स जो इंसेक्ट्स है या मोलस्क है या छोटे वाले इनवर्टिब्रेट्स है, more than 10 invertebrate prey species get extinct उस एरिया में in 1 year, और रीजन क्या था, interspecific competition, एक दूसरे के साथ compete करने लग पड़े, खाने की जगह की कमी हो गई, ठीक है, एंड ड्यू टू विच, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, ऑब्वियसली प्रीडेटर नहीं है तो खाने की जगह की कमी के कारण धीरे धीरे वो वीक पड़ते गए और वहां से वो एलिमिनेट, राइट। सो दिस इज हाउ द प्रीडेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द प्रे, वो प्रे को जिंदा रखने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम फॉर एग्जाम्पल, अगर हम
खुद इंसान को भगवान ने दिमाग तो आई वो सबको ही दिया होगा, हम जितना समझ पाए हैं, बट एटलीस्ट हम समझ इतना पाए हैं कि पॉपुलेशन एक से ज्यादा लेवल पे बढ़ गई तो खुद ही हम जाएंगे, क्योंकि हमारा ऐसा कोई नेचुरल प्रिडेटर नहीं है, कोई खा जाए तो खा जाए, कोई शेर आ जाए पकड़ के ले जाए तो दैट इज ए सेपरेट इशू, बट हमारा कोई नेचुरल प्रिडेटर नहीं है, बट हमें नेचर ने दिमाग दिया है कि सोचो तुम अगर ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि नेचर हमें खा जाएगी, नहीं, हम एक दूसरे को ही खा जाएंगे, राइट? इतना कंपटीशन पढ़ाई के लिए तो जो हुआ सो है, बट क्या होगा कि हम एक दूसरे को मार के काट के खा जाएंगे, जगह की मतलब कीड़ों की तरह हम जो है इधर उधर होंगे, रहने की जगह नहीं मिलेगी, खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, एक दूसरे को धीरे धीरे वीक होते जाएंगे, वीक हो जाएंगे तो बीमारियां हमें पकड़ेंगी, और हम इस तरह से धीरे धीरे, और कोई नेचुरल कैटास्ट्रोफ आ गया, कुछ आ गया, तो ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। और हम ये भी नहीं कह सकते कि खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही, बट ऐसा हो सकता है कि वो बहुत थोड़ी सी रह जाए और फिर दोबारा से एवोल्यूशन, जैसे हम कहते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो, है ना, ये सब भी तो इसी तरह से खत्म हुए होंगे, थोड़े से लोग रह गए, फिर आगे इनकी पॉपुलेशन हुई, बट इससे पहले की तो ह्यूमंस की स्टोरी है, बट इससे पहले बहुत सारी, जैसे अगर हम कहते हैं डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, या बहुत सारी सीनोजोइक क्रिटेशियस सीनोजोइक एरा में जो है केटी एक्सटिंक्शन मास एक्सटिंक्शन थी, तो एक तो क्या थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, दूसरा क्या हुआ कि एक मिट्योराइट आके टकराया जिससे टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, ग्लेशियर्स पिघल गए, जिसके कारण जो पॉपुलेशंस थी वो अडेप्ट नहीं कर पाई, राइट? और हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगे फिर दोबारा से नेचुरल एनवायरनमेंट को आने, तब तक जो पॉपुलेशंस जो है, जो स्पीशीज जो है हम कह सकते हैं उस नए एनवायरनमेंट को जो नहीं अडेप्ट कर पाए वो एक्सटिंक्ट हो गए, बाकी कुछ रह गए, ठीक है। और दूसरा, ये तो एक कॉमेट वाली या मीटियोराइट वाली तो एक हमने थ्योरी बना ली कि ऐसा हुआ होगा, बट दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि डायनासोर्स की और बाकी के जो एनिमल्स या प्लांट्स एक्सटिंक्ट हुए उनकी पॉपुलेशन एक कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो अगर हमने ह्यूमंस ने, ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बेटे टीचर्स की बातें ना काफी टाइम तक याद रहती है, आई विश सो, ठीक है, जो तुम आगे प्रोपेगेट भी कर सकते हो, किसी को समझा सकते हो, राइट, कि अगर हमने अपनी पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल की तो हम अपने डिजास्टर के लिए खुद ही जिम्मेवार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, नोबडी एल्स, राइट। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, ये तो है नेचर में, नेचर ने प्रिडेशन को क्यों रखा, दो रीजंस रखे, एक तो एनर्जी ट्रांसफर के लिए और दूसरा प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इफ प्रिडेटर ईट्स प्रे एट ए वेरी फास्ट रेट, हम कहेंगे ये भी तो नुकसान है, इट ऑल्सो कॉजेस एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे, देयरफॉर प्रीडेटर इज प्रूडेंट। ये वर्ड्स मैं क्यों यूज कर रही हूं, क्योंकि ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, प्रूडेंट जिसका मतलब है मॉडरेट इन एक्सप्लॉइटिंग प्रे एज एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे कॉजेस extinction of predator also. That is why same thing, सोचो इसको, इकोलॉजी आपके सब तरफ है,
हम अपने नेचुरल रिसोर्सेस को, हम भी तो उनके प्रीडेटर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेस को हम खत्म किए जा रहे हैं। पानी को हम अंधाधुंध बहा रहे हैं, उसको हम कह रहे पानी का क्या है, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, जो है फ्रेश वाटर फिर आ जाएगा। बट बेटा हमारी अर्थ पे फ्रेश वाटर बहुत कम है, मैक्सिमम वाटर जो है वो सॉल्टी वाटर है, उसको प्योरीफाई करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात, हम पानी जो यूज करते हैं है ना, वो कहाँ पे जा रहा है, वो सीवेज वाटर में जाई जा रहा है। फ्रेश वाटर अब सीवेज वाटर में, जो हमारे किसी यूज का नहीं है, बहुत सारा खराब जाता है, बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा उसमें कीटाणु है, ठीक है। फिर उसको प्यूरिफाई करो, फिर उसको खेतों में इधर उधर यूज करो। तो वी शुड कंजर्व फ्रेश वाटर, जो हमारे नलकों में है उनको हमें बहुत ही प्रूडेंटली है ना, विद माइंडफुलनेस हमें यूज करना चाहिए। ये नहीं पानी भाई हमारे चंडीगढ़ में तो पानी की कोई कमी नहीं है, हमने तो मोटर लगाई हुई है, हमारे तो टैंकियां 2,000 लीटर की है, कर ही चलो यूज। नो, ठीक है, हमारी हमें अपने अगली जनरेशन के बारे में भी सोचना है। बारिश देखो नहीं तो आज से 10-15 साल पहले कितनी बारिश हुआ करती थी सर्दियों में, इस बार सिर्फ ये 3-4 दिन बारिश हुई है एंड देयर इज नो रेन, राइट। तो हमें अपने रिसोर्सेस को बहुत ही ढंग से यूज कर, पेड़ काटे जा रहे हैं दरवाजे बना लो, खिड़कियां बना लो, सोफे बना लो, है ना, ये वो इतना हम खत्म कर रहे हैं, घर बना लो। तो हम जो है अपने रिसोर्सेस को अनमाइंडफुली जो है कंज्यूम कर रहे हैं, विच मे कॉज डिजास्टर टू अस ऑल्सो, राइट। हमारे से समझदार क्या है, जिनको हम समझते हैं कि उनका दिमाग नहीं है, बट दे आर, यू कैन सी कोविड को देखो, 2 साल इसने कहर मचा के रखा, पिछले साल डेल्टा वेरिएंट आया, ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशन स्वाइप ऑफ की, जिसको फोन करते थे है ना, कभी कुछ ऐसे लोग थे जिनको हम कभी कभी फोन करते थे, बाई चांस फोन किया तो फैमिली में पता चला ले वो तो चला गया है, उसकी डेथ हो गई 15 दिन पहले, डेथ हुई 20 दिन पहले, ना कोई यंग देखा ना कोई ओल्ड देखा, वट एवर, लेता गया लेता गया, बहुत सारी डेथ हुई। बट अब कौन सा वेरिएंट आ गया है, दैट इज ओमिक्रॉन आ गया है, और जो सुनने में आ रहा है आई थिंक वही होना चाहिए, आई विश दैट कि दिस विल, आज की एक न्यूज है कि इट विल गिव सुपर इम्यूनिटी, कोई हमारी वैक्सीन हम कहते हैं इसके लिए काम कर रही है, इसके लिए नहीं काम कर रही वैक्सीन का, ऐसा वैसा ये वो, बट दिस विल गिव सुपर इम्यूनिटी, नेचुरल सुपर इम्यूनिटी टू द ह्यूमंस अगेंस्ट कोविड एंड द अदर स्ट्रेन विच विल कम इवेंचुअली। तो वायरस ने क्या देखा, वायरस भी हमसे ज्यादा समझदार है मुझे ऐसे लगता है, जिसको हमें ये नहीं पता कि हम इसको लिविंग में रखें कि नॉन लिविंग में, इट इज स्टिल वेरी इंटेलिजेंट कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे रिप्रोडक्शन कैसे होगी, तो चुपचाप करके इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ना नुकसान पहुंचाओ, ठीक है, चुपचाप करके अपना रिप्रोड्यूस करो। साइकिल पहले 14 दिन की साइकिल थी, अब क्या है 4-5 दिन की साइकिल है, 4 डेज का हम जो ओमिक्रॉन है उसका हम कहते हैं 4 डेज आइसोलेशन करो बस बहुत है, ठीक है। तो आइसोलेशन भी अब आजकल हो नहीं रही है, तो 4 डेज में इसकी साइकिल खत्म हो जाती है, वो रिप्रोड्यूस करता है अपना काम खत्म, चुप करके बैठ जाता है या कहीं चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन में फैल जाएगा विदाउट हार्मिंग ह्यूमन। वो कहता मुझे क्या जरूरत है हार्म करने की, व्हाई शुड आई हार्म द ह्यूमंस, है ना, इफ आई नीड देम व्हाई शुड आई हार्म देम। और यही चीज हमें रखनी चाहिए कि हमें जिसकी जरूरत है, सड़कों की, क्या करते हैं हम, कहीं देखा वहां गंद फेंक दिया, क्या वो सड़कें वहां गली वो हमने यूज नहीं करनी, करनी है बेटा, उसका ख्याल रखना हमारी ही जो है वो जिम्मेवारी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीडेशन, हम अपना जो है ना अपना फायदा हम सबसे पहले देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीडेशन टू ह्यूमन। तो क्या है प्रीडेटर्स आर यूज्ड एज
बायोपेस्टिसाइड्स। फॉर एग्जाम्पल पेस्ट क्या है? ओपेंशिया वी, ये हमने माइक्रोब्स में भी किया था इन ऑस्ट्रेलिया। इट कॉज्ड अ ग्रेट हैवॉक, बहुत ज्यादा इसने, इसकी इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई कि बहुत एक अबनॉक्सियस से काम हो गया। तो इसलिए इसका बायोपेस्टिसाइड या प्रेडेटर कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया? क्लेप्टोब्लास्टिस। ठीक है, इट फीड्स ऑन कैक्टस, फीड्स ऑन ओपुंचिया। देन चिकन को भी खाया जाता है बेटा, बट उतना ही हम जो है उसको, ये अर्नम ने पूछा कि चिकन को भी लार्ज स्केल में, बट उसको तो हमने क्या कर लिया, उसको तो हमने पेट बना लिया, उसकी हम बहुत ज्यादा ब्रीडिंग करवाते हैं, अंडे दिए जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऑल्दो जिस हिसाब से लोग खाने शुरू हो गए, बट बहुत सारे बेटा अब लोग वेजिटेरियंस वीगन्स ये सब भी तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। तो वन इज ओपेंशिया वी, अनदर इज मॉस्किटोस, इसका प्रीडेटर क्या है? गैम्बूजिया फिश। फीड्स ऑन इंसेक्ट या मॉस्किटो लार्वा। देन थर्ड आ जाता है बेटा रेड लोकस्ट मिनेंस इन मॉरिशियस। इसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया? मैना फ्रॉम इंडिया, अ बर्ड फ्रॉम इंडिया। Another is aphids. As plant pest which feeds on, you know, plant sap. It is controlled by coccinella. या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? Lady bird beater. Right? So humans exploited या used हम कह सकते हैं these predators as the biopesticide to control various pests, right? लिखो पहले। Next हम आ जाते हैं बेटा adaptations in prey. To prevent predation. ठीक है, अब जो मर रहा है वो कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना, कुछ के इफेक्टिव होते हैं, कुछ के इनइफेक्टिव अडेप्टेशन है, बट क्या अडेप्टेशन? इन प्लांट्स to prevent herbivory, उनको खाने से, ये प्लांट्स को ना खाया जाए, इसके लिए प्लांट्स के पास क्या adaptations है?
फर्स्ट है दे हैव प्रिकल्स. एग्जाम्पल है अकेशिया. प्रिकल्स छोटे छोटे से आउटग्रोथ्स है, तीखी स्पाइनस. देन दे हैव थॉर्न्स. थॉर्न्स होते हैं मॉडिफाइड लीव्स. कैक्टस. देन सम प्लांट्स सच एज कैलोट्रोपिस आजकल मिलती कम है, जिसको हम कहते हैं अक. इट सिक्रीट्स कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स. इट मेक्स कैटल सिक और गेट किल्ड. देयरफॉर कैटल डज नॉट फीड्स ऑन इट, राइट. देन क्विनीन, ये सब क्या है? एल्कलॉइड्स है सिक्रीटेड बाय सिंकोना. हमने यूज कर ली तो बात अलग है, बट प्लांट ने किस लिए बनाई थी? ताकि इसको खाया ना जा सके. देन कैफीन सिक्रीटेड बाय टी एंड कॉफी. कॉफी प्लांट्स ये सिक्रीट करते हैं. ओपियम हम यूज करते हैं एज ड्रग्स, बट कॉफी प्लांट ने इसको सिक्रीट किया था टू प्रिवेंट हर्बीवोरी. निकोटिन सिक्रीटेड बाय टोबैको प्लांट. स्ट्रिक्निन सिक्रीटेड बाय स्ट्रिक्नोस प्लांट. ये सभी एल्किलॉइड्स हैं. बिटर इन टेस्ट, कड़वे हैं. एंड आर लेस डाइजेस्टिबल. डाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एनिमल्स में, जिसकी वजह से एनिमल्स इनको नहीं खा. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं अडेप्टेशन इन फाइटोफेगस इंसेक्ट्स. Which feeds on adaptation in plants, हम कह सकते हैं plants against phytophagous insects means which feeds on plant sap. इसमें ये सारे chemicals आ जाएंगे. प्लांट सिक्रीट वेरियस एल्कलॉइड्स. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं अदर अडेप्टेशंस. इसमें हम आ जाते हैं फर्स्ट हम मिमिक्री. जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है इज पैलेटेबल, खाई जा सकती है.
जो मोनार्क बटरफ्लाई है is poisonous. कैसे पॉइजनस हुई? इट्स कैटरपिलर लार्वा फीड्स ऑन पॉइजनस बीज, जिसकी वजह से टॉक्सिन जो है वो इकट्ठा होगा. चलो ये तो ठीक है. तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वाइसरॉय बटरफ्लाई मिमिक्स. मिमिक्स का मतलब नकल करना. मिमिक्स मोनार्क बटरफ्लाई. जो पक्षी है, बर्ड्स है या जो प्रीडेटर है वो मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाता, वाइसरॉय बटरफ्लाई को खा सकता है. अगर इसको खाएगा तो मर जाएगा. वाइसरॉय बटरफ्लाई को खा सकता है, बट इट मिमिक्स मोनार्क बटरफ्लाई सो दैट इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रीडेशन. और मोनार्क बटरफ्लाई में लिख लेना अनपैलेटेबल, इसको खाया नहीं जा सकता क्योंकि ये पॉइजनस. उसके बाद आ जाता है बेटा कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज का मतलब है रिजेम्बलेंस विद सराउंडिंग्स. टू बिकम to conceal itself from predators. ये है कैमोफ्लेज. फॉर एग्जाम्पल ग्रास ऑफर. आपने ग्रास ऑफर देखा, इतना ग्रीन सा होता है, उन पत्तियों में रहता है, पता ही नहीं चलता यहाँ पे ग्रास ऑफर बैठा. अनदर इज स्टिक इंसेक्ट इज ब्राउन एंड इलोंगेटेड. ऐसे लगता है स्टिक पड़ी है. ठीक है जी. और उसके बाद एक आ जाता है टेनिब्रिनोइड बीटल्स. बिकम मोशनलेस एंड पेबल लाइक, पत्थरों की तरह इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर. प्रीडेटर कहीं से उसको दिख जाए तो एकदम सांस रोक के बैठ जाती है कि मैं तो हुई नहीं, मैं तो एक स्टोन हूं. ठीक है. एंड लुक्स लाइक अ यू नो पैरेंट. दीज आर सम ऑफ द अडैप्टेशन. है तो और भी बहुत सारी, बट दीज आर सम ऑफ द अडैप्टेशन शोन बाय प्लांट्स इंसेक्ट्स एंड द अदर एनिमल्स. मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ इसका, फिर हम लिखवा देंगे. मैं आपको डिक्टेशन दे दूंगी इसकी. कंपटीशन क्या है? कंपटीशन जैसे हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ऐसे ही कंपटीशन. कंपटीशन है कि देयर इज कंपटीशन बिटवीन स्पेस फूड. ये दो चीजों का कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज और मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज रहता है. फॉर सर्वाइवल ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कम्पीट विद द चेंजिंग एनवायरमेंट. जो चेंज हो रहा है उसमें भी ठंड बहुत बढ़ गई, अब कैसे रहें, गर्मी बहुत हो रही है, इसके लिए क्या करें. ठीक है, हम ये सोच रहे हैं बट बाकी के ऑर्गेनिजम्स भी सोचते हैं.
ठीक है, सोचते हैं या कुछ कर रहे हैं. दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव बेटर अडेप्टेशन, राइट, दे विन द कॉम्पिटिशन, यू कैन से दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, वेयर एज द अदर स्पीशीज जिसकी जो लेस अडेप्टेड है धीरे धीरे उसके नंबर कम होते जाते हैं एंड समटाइम्स इट बिकम एक्सटिंक्ट. तो डार्विन ये कहता है कि कॉम्पिटिशन जो है वो रिलेटेड स्पीशीज में है, जिनका फूड सेम हो, जिनका रहने की जगह सेम हो. ठीक है, कॉम्पिटिशन अकर्स बिटवीन रिलेटेड स्पीशीज एंड इट अकर्स ओनली वेन द रिसोर्सेज आर, यू कैन से, लिमिटेड. लिमिटेड रिसोर्सेज है तभी कॉम्पिटिशन. बट उसके बाद, डार्विन के बाद ये देखा गया कि नहीं, अनरिलेटेड स्पीशीज जिनका आपस में कोई नहीं है बट अगर अलग अलग जगह पे रह रही है बट अगर उनका खाना सेम है, दे कैन कम्पीट विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल फिशेज, है ना, ये स्मॉल फिशेज एंड फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज आर बर्ड्स, ये देखा गया कि ये एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं फॉर द सेम फूड दैट इज ज़ूओप्लैंकटन. ठीक है, दूसरी चीज ये देखी गई कि जरूरी नहीं है कि भी सोर्सेज लिमिटेड ही होने चाहिए तभी कॉम्पिटिशन होता है. नहीं, सोर्सेज अनलिमिटेड भी हो, बहुत सारे रिसोर्सेज हो, तब भी कॉम्पिटिशन हो जाता है. तो क्या देखा गया कि एक सुपीरियर स्पीशीज है, बड़ी स्पीशीज है, और एक छोटी इंफीरियर स्पीशीज है. तो ये देखा गया कि जब सुपीरियर स्पीशीज और इंफीरियर स्पीशीज इकट्ठी रह रही है तो जो लेस अडेप्टेड स्पीशीज है वो बस कुछ ही एरिया में रहती है, वो अवॉइड करती है कि इधर बहुत ज्यादा सुपीरियर है, यहाँ हमको जाना ही नहीं, अपने आप को बचा के रखती है, अपने आप को कंसील करके रखती है. समझदारी आई थिंक यही है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इंटरफेरेंस. रिसोर्सेज बहुत है, जो एक बड़ा सुपीरियर स्पीशीज है वो इंफीरियर वाले को कुछ कह भी नहीं रहा बट वैसे ही रोग है. ठीक है, तो जिसके कारण जो इंफीरियर स्पीशीज है, लेस अडेप्टेड स्पीशीज है, इट हैज लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज, यू नो, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल एरिया. बट जैसे ही जो सुपीरियर स्पीशीज है अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो जो इंफीरियर लेस अडेप्टेड स्पीशीज है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज बढ़ा लेती. दिस इज कॉम्पिटिटिव इंटरफेरेंस, राइट. तो इसलिए, या इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन हम कह सकते हैं. तो जरूरी नहीं है, पहली बात, कि दो स्पीशीज जो है वो रिलेटेड ही हो फॉर कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन कैन बिकम, यू नो, बिटवीन अनरिलेटेड स्पीशीज इफ द टू शेयर्स द सेम फूड. सेकेंड है, द रिसोर्सेज मे बी वेरी लार्ज, resources may be unlimited, even then the competition occurs, the feeding capacity and the distribution range jo hai wo less adapted species ki limited reh jayegi in the presence of the superior species, right. Gosses ne kaha, Gosses exclusion principle kehta hai ki do competing species which share same niche, niche matlab food and area, right, the two species which share same niche cannot live together. ठीक है, the less adapted species will ultimately become extinct due to the, you know, limited resources. ये बॉसेस ने कहा. बट फिर आगे आया कि नहीं, if the sources are abundant, है ना, limited तो होंगे, बहुत ज्यादा unlimited, but if the sources are abundant, then the two species sharing same niche can remain together if one of the species changes its foraging pattern. जो खाने का टाइम है, एक स्पीशीज दिन में खा रही तो दूसरी कहती है मैंने दिन में निकलना नहीं, मैं रात को खा लूंगी. या if it changes its food, then even the two competing species which share the same niche can live together. तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा हम कॉम्पिटिशन को, है तो सही कॉम्पिटिशन, बट अगर हम कहें यही कंडीशन है कॉम्पिटिशन की, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता. तो लिख लो जरा जल्दी से. अकॉर्डिंग टू डार्विन कॉम्पिटिशन इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन विच द ऑर्गेनिजम्स
in which the organisms can compete with the members of same species or different species for food and space. Full stop करके the better adapted organisms produce more number of healthy offspring. Produce more number of healthy offspring and increase their population. Whereas the less adapted species or less adapted organisms produce few offspring. And thus their population declines. Next point आ जाइए. And few offspring के बाद क्या बोला? They produce few offsprings and their population declines. New नहीं है, few है, कम. Next point आ जाइए. According to most of the people, mainly अगर हम scientists की बात करें, competition occurs between related species. which compete for the same resources when they are limiting. But exceptions, या exceptions तो नहीं हम कहेंगे, but नीचे वाली लाइन में लिख लेना. बट फर्स्ट है, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कैन कंपीट विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, साउथ अमेरिकन शैलो लेक्स में विजिटेड फ्लेमिंगोस एक टाइप के बर्ड्स है. Visiting flamingos
competes with resident fishes for zooplankton. यहाँ पे फ्लेमिंगोस एंड फिशेस अनरिलेटेड स्पीशीज, सेकेंड एग्जाम्पल आ जाती है रिसोर्सेस मे नॉट बी लिमिटिंग फॉर कॉम्पिटिशन. सच एज इंटरफियरेंस कॉम्पिटिशन. Interference competition. इसमें लिख लो the feeding capacity of one species might be reduced due to the interfering ad, due to the interfering and inhibitory presence of the other species even if the resources are unlimited. Even if the resources are abundant. Next एक थ्योरी आ जाती है बच्चे. अभी हमने हमने किया था डार्विन की थ्योरी पे, अभी हमने ये किया. नेक्स्ट आ जाता है गॉसल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. गॉसल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिस इफ द two species share the same niche, and the resources are limited, then the inferior species get excluded after some time. Or in other words, हम कह सकते हैं two species sharing same niche, then they cannot live together. For example, in Galapagos Island, South America के पास ही Galapagos Island,
यहाँ पे गैलापागोस इज ए टाइप ऑफ लार्ज टॉर्टोइस, बट यहाँ पे एक है एबिंगटन टॉर्टोइस, एबिंगटन टॉर्टोइस लिव कंफर्टेबली। बट क्या हुआ, हम कह सकते हैं बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स इन दैट एरिया, उस एरिया जब तक गोट नहीं आई थी तब तक जो है ये आराम से रह, goats have high browsing capacity, browsing habit, and thus due to lack of food abundant tortoise jo hai becomes extinct। वो सेम ही घास घूस खाता होगा, घास खा के उस एरिया में से फिर पानी में चला, ठीक है जी। अनदर इज, ये फर्स्ट एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल आ जाती है, आई होप ये आपने लिख लिया है, ये रब कर तू बचाओ। Everybody, Shivanshi Nair, second आ जाता है बेटा competitive release, two competing species A and B, species A hai, species B hai, it is superior, it is inferior species, living in same niche, species B is restricted to a small area with limited population. If species A is removed, species B get widely distributed to a large area. मरी नहीं, चलो, पर बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन है छोटे से एरिया में थी, जैसे ही एक स्पीशीज सुपीरियर स्पीशीज रिमूव की वो फैल गई, तो इसका मतलब ये है कि इसके कारण ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही थी, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं कर पा रही, ठीक है जी। एंड अनदर इज कॉर्नेल्स field experiments on barnacles, ये मोलस्क्स हैं। He worked on rocky sea coasts
ऑफ स्कॉटलैंड. Selenus. Dominant barnacle. Excludes. एक छोटा कैथेमेलस बार्निकल है, स्मॉल बार्निकल. फ्रॉम इंटरटाइडल एरिया. सो दिस इज अगेन गॉसस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि ये बड़े बार्निकल ने स्मॉल बार्निकल को एक्सक्लूड कर दिया उसकी डेथ कॉज का. राइट, लिखो ये, दीज आर द एग्जांपल्स विच सपोर्ट गॉसस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. जो बार्निकल्स है, दीज आर द टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड्स. लिख लो ब्रैकेट्स में, लिख लो मोलस्क, यहाँ पे बार्निकल्स लिख लीजिए, अ टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड्स. जैसे क्रैब्स, लॉबस्टर्स है, उनसे रिलेटेड है. ठीक है, अब जिसका नहीं भी लिखा कोई बात नहीं, लिख लेना बाद में, बट पहले जो मैं लिखवा रही हूं वो नोट कर लो. फिर स्टार डाल के पॉइंट लिखिए, बट, फिर बट लिखो, बट गॉसेस ने ये एक्सप्लेन कर दिया, बट इसकी भी कुछ अलग से है. गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल. गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. फुल स्टॉप करके, बट इफ द रिसोर्सेज आर अबंडेंट. But if the resources are abundant, comma, then competing species may evolve certain mechanisms. that promote coexistence rather than exclusion. For example, MacArthur. मैम क्या? MacArthur. Observed resource partitioning. Resource partitioning in five closely related species of warblers. WARBLERS. Warblers क्या? Small birds which live on the same tree.
which live on the same tree comfortably due to behavioral differences. Due to their behavioral differences in their foraging activities. In their foraging activities. Same plant पे रह रहे हैं, उसी को ही खा रही है. कोई दिन में खा रहा है, कोई रात को खा रहा है. किसी ने कहा अच्छा ये वाले इंसेक्ट्स मैं खा लूंगा, ये वाले इंसेक्ट्स तू खा लेना, ये पत्ते तुम खा लेना, ये स्टेम मैं खा लूंगा. ठीक है, तो इस तरह से अपनी फोरेजिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करके वो पांच स्पीशीज जो है वो इकट्ठे रहे. इज इट ओके? सो दिस इज अबाउट कॉम्पिटिशन. इज इट ओके स्टूडेंट्स?